मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, समय हुआ है 8:40। हम रात को थे होटल रॉयल पैराडाइज ओयो रूम का, और सबसे बेकार होटल है ये, बहुत ही बेकार होटल। तो दोस्तों, अभी हम हैं कोटा में। जैसे हमने आपको बताया था कल हम पहुंचे थे 6:45, और ये है स्टेशन रोड। और मैंने ऑनलाइन बुक की थी होटल, लेकिन फ़ोटो और रेटिंग के हिसाब से ये तो 0 रेटिंग का होटल है और सबसे हाईएस्ट रेटिंग थी। तो एनीवे, अभी हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया देखने, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहीं से हम निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो यहाँ से जो रास्ता दिखा रहा है वो लगभग 52 मिनट्स बता रहा है गूगल जी। सुबह का समय है और अभी भी कितनी भीड़ है कोटा में। कोटा तो आपको पता ही है, कोटा स्टोन के लिए मशहूर है। हर जगह जगह आपको कोटा स्टोन दिख जाएंगे। और पेट्रोल मैंने कल रात को ही टैंक फुल करा लिया था, और ये मोस्टली आर्मी के एरिया है। तो मैं बता देता हूँ, कल जब हम समय पे आगे थे कोटा में, तो हमने कल एक प्लेस को एक्सप्लोर किया था जिसका नाम है 7 Wonder Park, जो एक बहुत ही शानदार लेक के साइड में बना हुआ है, जिसमें अपने पूरे वर्ल्ड के जो 7 Wonders हैं उनके सारे स्टैचू उसमें लगे हुए हैं। तो आपको मैं वो हाइलाइट्स दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी हम हैं कोटा में, और अब हम आए हैं यहाँ पे देखने 7 Wonders जो पार्क है। और यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे सातों के सातों वंडर यहाँ पे है, उनके मॉडल बना के रखे हुए हैं देखने के लिए फॉर पब्लिक। तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। और इसके राइट हैंड पे बहुत ही प्यारी झील है, और फाउंटेन भी चल रहे हैं उनमें चारों तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों, सेकेंडली ये है इजिप्ट का पिरामिड, जो कि इजिप्ट में है, और ये मॉडल है यहाँ पे 7 Wonders में से एक हमारा ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो USA में है। तो ये है क्राइस्ट द रेडिमीर, जो कि ब्राज़ील में है, और ये 1931 में बन के तैयार हुआ था ब्राज़ील में। 7 Wonder Park को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापसी, और अभी हम करेंगे डिनर, क्योंकि सुबह से 9 घंटे कंटिन्यू बाइक चलाई है। और उसके अलावा हमने चित्तौड़गढ़ को एक्सप्लोर किया था, और अब कोटा में हैं, और कोटा में हमने 7 Wonder Park को एक्सप्लोर किया है। तो कल का हमारा जो शेड्यूल है वो प्रोग्राम है, कल हम जाएंगे दिल्ली को। दोस्तों, ये कोटा का आउटर पार्ट है, हमने सिटी को क्रॉस कर दिया है। हमारी जो राइड है अभी 25 मिनट से ऊपर हो गया हमें राइड करते हुए, और जो हमारा ग्राडिया महादेव टेंपल जहाँ हमने जाना वो भी लगभग 25 मिनट्स की दूरी पे ही होगा। तो यहाँ से हम अब फास्ट निकलेंगे, क्योंकि अब भीड़ भाड़ ख़त्म हो चुकी है। अभी जिस हाईवे से हम आए हैं, ये कल वाला हाईवे है जहाँ से चित्तौड़गढ़ से हम कोटा आए थे, ये उदयपुर टू कोटा वाला हाईवे था। तो इसके साथ से एक रास्ता कटता है जो ग्राडिया महादेव टेंपल को जाता है, ये पतली सड़क वहीं पे जाएगी। और इस हाईवे और ग्राडिया महादेव टेंपल का जो डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर समथिंग होगा, लेकिन रोड की हालत बहुत खराब है, तो हमें लगभग 2-3 मिनट लग जाएंगे। हम चलते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर करने। और अब हम पहुंच गए हैं सिक्योरिटी चेक या टिकट काउंटर, टिकट घर के पास। तो अब हम टिकट ले लेते हैं पहले। दोस्तों, हमने चेक पोस्ट से एंट्री कर ली है, और यहाँ से जो ग्राडिया महादेव टेंपल की डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर है। रोड कंडीशन बहुत ही खराब है, आप देख ही रहे हैं। जो मुझे टिकट के चार्जेस लगे हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें 2 तरह के चार्जेस हैं, एक तो एंट्री चार्जेस है, दूसरा इको डेवलपमेंट चार्जेस। 2 तरह के चार्ज लेते हैं ये लोग। तो
एंट्री चार्जेस पर पर्सन है यहाँ पे 40 रुपीज और इको डेवलपमेंट चार्जेस है 45 रुपीज, टोटल 85 रुपीज पर पर्सन आपको चार्ज लगेगा। और अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए डिस्काउंट है तो उसको टोटल 25 रुपीज ही देने पड़ेंगे। तो अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं, कार जीप वगैरह से आते हैं, तो आपको 55 एंट्री फीस और 220 इको डेवलपमेंट चार्जेस लगता है, तो टोटल 275 लगेगा अगर अपनी कार से आते हैं। अगर अपनी बाइक या टू व्हीलर से आते हैं तो आपको 35 रुपीज लगेगा, 10 रुपीज एंट्री फीस और 25 रुपीज इको डेवलपमेंट चार्ज। तो इस हिसाब से मुझे 185 दो पर्सन का और 35 मेरी बाइक का टोटल 205 रुपीज मैंने पे किया है। तो ये रोड कंडीशन देखिए, ये डेवलपमेंट है हमारा, डेवलपमेंट चार्जेस लेके। तो ये पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया है, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है क्योंकि यहाँ पे पूरा खाली रहता है ये एरिया, तो जानवर भी आ सकते हैं थोड़ा, इसलिए दिन के समय आइए यहाँ पे। और ये एंट्री लगभग 5:30 बजे रात को बंद हो जाती है। तो अब हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, जो कि जिसके अंदर से चंबल रिवर बहती है। ये चंबल रिवर से ग्रैंड कैनियन बना है, तो हम एक्सप्लोर करते हैं अभी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। वेल ऑल इज वेल दोस्तों, अभी हम हैं इंडियन ग्रैंड कैनियन में। ये देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कितनी शानदार कैनियन है। और ये कोटा के पहले लगभग 20-30 किलोमीटर पहले है कोटा से, गराडिया महादेव टेंपल है इसके साथ में, एक वो भी अभी जाएंगे। और ये है ग्रैंड कैनियन, इंडियन ग्रैंड कैनियन कहते हैं इसको। और इसकी जो हमें टिकट लगी है वो लगभग 205 रुपये लगी है विद बाइक। कोटा में आना मेरा वसूल हो गया है, क्योंकि इतना शानदार नज़ारा मैंने देख रहा हूँ अभी आँखों से, जो इस कैमरे में नहीं दिखाई देगा। बहुत शानदार ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, क्या कहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में कहेंगे, हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा था कोटा में। और राइड कैसी रही हमारी अभी तक? बहुत अच्छी। फर्स्ट टाइम राइड पे आए हैं और लॉन्ग राइड हो रही है। फर्स्ट डे 10 आवर्स, सेकंड डे भी मजा आ रहा है बहुत, 7-8 घंटे डेली की, मतलब कि 9-10 घंटे की राइड हो रही है हमारी। और आज भी लगभग 10-12 घंटे की राइड होने वाली है, दिल्ली जाना आज हमने इसके बाद। और ये व्यू देख के तो बस जाने का मन ही नहीं कर रहा यहाँ से। ये हमारी बाइक खड़ी है पीछे, ये खड़ी है भाई पीछे हमारी बाइक। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। अभी हम जा रहे हैं महादेव टेंपल, गाड़िया महादेव टेंपल, जो कि यहाँ का फेमस और प्राचीन टेंपल है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिटेड प्लेस है, यहाँ का नंबर वन टूरिस्ट स्पॉट है ग्रेडिया महादेव टेंपल। ये है, कितना पुराना मंदिर है ये? ये महात्मा थे जो सेवा करते थे मंदिर की, महात्मा। अच्छा अच्छा, कभी बंद नहीं होता, बंद नहीं होगा। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय भोलेनाथ। ये जो पानी है हमेशा चलता रहता है और ये ऊपर से आ रहा है और ये गोमुख से पानी निकल रहा है मेरे सामने। और ये ग्रैंड कैनियन
दोस्तों अभी आप देख रहे थे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया डे 5 जो हमारा आखिरी दिन है राइड का, उसका पार्ट 1 जो यहाँ पे खत्म होता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट मी, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट व्लॉग में हम दिखाएंगे ग्रैंड कैनियन से दिल्ली तक का सफर। आप तो दोस्तों अंत में राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।